जैसे कि मैंने कहा, हम लोग मोटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक, एफिशिएंसी और उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन के जो छोटे मोटे मेजर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनमें हम एसी मशीन्स की बात करें तो एसी मशीन में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर ब्रॉडली दो टाइप की होती है, वन इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, द अदर वन इज स्लिप रिंग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर जो फिक्स्ड आउटर पोर्शन है दैट वुड बी कॉल्ड स्टेटर, उसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग होंगी और रोटर इज स्पिनिंग इनसाइड दिस स्टेटर विद अ केयरफुली इंजीनियर्ड एयर गैप बिटवीन द टू। केयरफुली इंजीनियर्ड मीन्स इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड इन द लेंथ so that the air gap flux is utilized to the most और smooth rotation rotor का बना रहे। तो फिर जैसे इसका operation के बारे में हम discuss करें तो क्या होता है, जब भी हम इस three phase induction motor के stator winding को three phase AC supply देंगे, a magnetic flux of constant magnitude which is rotating at synchronous speed is set up. We all know synchronous speed is what? It is 120 into frequency divided by number of pole of induction machine. At this point, what will happen? Rotor is left stationary. पर जो magnetic flux है, वो किसके through pass होगी? Air gap, stator and rotor. And rotor के stationary conductors के बीच में जब ये pass होती है, so what will happen? It will induce an EMF in the rotor conductors. So as per the Faraday's law of electromagnetic induction, kya hoga? Is relative motion between rotating magnetic flux or stationary rotor ki wajah se ek induced EMF hoga rotor conductors mein. Aur chunki rotor conductors are shorted, squirrel cage machine ki baat kar rahe hain, as per construction, the bars are shorted by end rings and they make a closed circuit. तो वंस द क्लोज सर्किट इज मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर तो क्या होगा, एक रोटर करंट फ्लो होगा इन ऑल दीज कंडक्टर्स और इस रोटर करंट का डायरेक्शन हम लेंज लॉ से दे सकते हैं। लेंज लॉ कहता है कि जो भी कॉज है विच इज प्रोड्यूसिंग द रीजन विल अपोज इट विल अपोज दिस कॉज नहीं राइट। तो यहां पर हमारा जो रोटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है दिस विल अपोज द कॉज। कॉज क्या है? रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स। तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कम करने के लिए रोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग फ्लक्स है और इसलिए इट विल ट्राई टू कैच इट अप विद द इंक्रीज्ड स्पीड। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की स्पीड के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन रोटर है ना एंड इट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से इसका अल्टरनेटिंग नेचर होगा क्योंकि सप्लाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग है, मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग होगी और इसलिए इंड्यूस्ड वोल्टेज भी रोटर में अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो जब रिलेटिव स्पीड रिड्यूस करने के लिए रोटर इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मशीन का आउटपुट शुरू हो जाएगा। अब जो प्रैक्टिस में है हम कहते हैं इंडक्शन मशीन नेवर रन सेट सिंक्रोनस स्पीड, उसका रोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड अचीव नहीं कर सकता। क्यों? दैट इन दैट कंडीशन मैग्नेटिक लॉकिंग विल बी देयर एंड द मोटर विल कम टू स्टॉप। तो रोटर की स्पीड हमेशा स्टेटर की फील्ड से या सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम होती है। दूसरा, इसमें जो वाइंडिंग है रोटर की स्क्विरल केज मोटर की, ये या तो मोस्टली एल्यूमिनियम की बनी होती है और कभी कभी कॉपर की बनी होती है एंड दीज आर एम्बेडेड इन द लैमिनेशन ऑफ द रोटर विच इज मेड ऑफ आयरन कोर राइट। तो इनको जब हम शॉर्ट कर देते हैं एंड पर तो दे लुक लाइक केज ऑफ अ स्क्विरल, इसलिए इस मशीन का नाम स्क्विरल केज मोटर होता है। दूसरी मोटर हम जो कह रहे हैं इंडक्शन मोटर दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये जो इसमें डिफरेंस है स्क्विरल केज मोटर से दैट इज ओनली ऑफ द रोटर।
दोनों के अंदर स्टेटर सेम होते हैं, स्टेटर वाइंडिंग सेम होती है, पर रोटर के ऊपर वाइंडिंग्स होती है कॉपर की, एंड दे आर जस्ट वाउंड लाइक अ थ्री फेज स्टेटर। ओके, और इससे फैसिलिटी क्या मिलती है कि रोटर पर जो शाफ्ट में स्लिप रिंग लगा होता है, विच इज कनेक्टेड थ्रू कार्बन ब्रशेस टू आउटर सर्किट, उसके अंदर वाइंडिंग्स का कनेक्शन होता है। तो इस तरह से हम इस मशीन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टर्स और कंडक्टर्स थ्रू द स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, और इसलिए मशीन का स्पीड कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडक्शन मोटर ऑफ स्क्विरल केज टाइप और वाउंड रोटर टाइप। द रोटर कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट। तो इस तरह से हमें क्या होता है, जब भी स्लिप जो मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क होता है उसके लिए जो भी स्लिप रिक्वायर्ड है, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इस मशीन के अंदर रोटर के सीरीज में कनेक्ट करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, व्हाट विल हैपन, स्लिप कैन चेंज एंड देयरफॉर द पुल आउट टॉर्क आल्सो कैन बी चेंज। तो हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि पुल आउट टॉर्क बहुत लो स्पीड पर हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अ पर्टिकुलरली हाई रेजिस्टेंस कैन रिजल्ट इन अ हाई पुल आउट टॉर्क एट ऑलमोस्ट जीरो स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से उस टाइम लो स्टार्टिंग करेंट भी होगा, टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन एज पर द एप्लीकेशन इज पॉसिबल विद द स्लिप रिंग मशीन। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी, आप स्टार्टिंग के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर सकते हैं और मशीन को सूटेड लोड रिक्वायरमेंट के साथ फिट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इसके बाद ये मोटर, चूंकि हम कह रहे हैं आइडियल है हाई इनर्शियल लोड्स के लिए जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो उसके उसके साथ हमें मोटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लोड रिक्वायरमेंट्स भी मैच करने का फैसिलिटी हो जाता है। ओके, तो पर क्या होता है, एट फुल लोड द स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड इफेक्टिवली टू अबाउट 50% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। जब हम वेरिएबल टॉर्क या वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो जैसे कि प्रिंटिंग प्रेसेस में चाहिए, कंप्रेसर्स में चाहिए, कन्वेयर बेल्ट्स आर देयर, हॉइस्ट और एलिवेटर्स में चाहिए, पर क्या होता है जब हम स्पीड को बिलो 50% रिड्यूस करना चाहेंगे तो वेरी लो एफिशिएंसी वुड बी देयर। क्यों? क्योंकि हायर पावर डिसिपेशन है रोटर रेजिस्टेंस में, हम रोटर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी विल ऑब्वियसली बी लो। तो इस तरह से मोटर को यूज तो कर सकते हैं बट एट अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ एफिशिएंसी। दूसरे टाइप के जो मोटर की कैटेगरी है वो है डायरेक्ट करंट मोटर्स। डायरेक्ट करंट मोटर्स अगेन आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, वन इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड दूसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, हम पहले तो यही पता है कि डायरेक्ट करंट मोटर जो है वो यूनिडायरेक्शनल करंट यूज करती हैं एंड दे आर यूज्ड इन स्पेशल एप्लीकेशंस जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए है या स्मूथ एक्सीलरेशन ओवर अ ब्रॉड स्पीड रेंज इज रिक्वायर्ड, तो हम डायरेक्ट करंट मोटर प्रिफर करते हैं। अब मैं कह रही हूँ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन वो हैं जिनके अंदर फील्ड को सेपरेटली डीसी करंट दिया जाता है और आर्मेचर अलग इट गेट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट, राइट। तो उस तरह की एक मोटर की कैटेगरी अलग है। उसके बाद सेल्फ एक्साइटेड मोटर में फर्दर डिवीजन है, वन इज सीरीज वाउंड इंडक्शन डीसी मशीन, द अदर वन इज शंट वाउंड, थर्ड टाइप इज कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। डीसी मोटर जो कंपाउंड वाउंड है उसमें भी हम उसके फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच के कनेक्शन के तौर पे उसको फर्दर कैटेगराइज कर पाते हैं, जो कि डिफरेंशियली वाउंड कंपाउंड मोटर होती है या फिर क्यूमुलेटिवली वाउंड कंपाउंड मोटर होती है। सो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट वी कैन ऑप्ट एनी ऑफ दीज डीसी मशीन। उसके बाद एसी मशीन की जो अदर कैटेगरी है जो कि पॉपुलर है, दैट इज सिंक्रोनस मोटर। Synchronous motor, as name implies, it runs at synchronous speed. यानी induction motor को हम कहते हैं वो कभी भी synchronous speed पर run नहीं करती, पर synchronous motor always runs at synchronous speed.
इसमें हम डिफरेंस जो आता है इसमें दो तरह से पावर को फीड करते हैं कि रोटर पर डीसी अलग सोर्स लगता है और स्टेटर पर अलग एसी सोर्स हम अप्लाई करते हैं थ्री फेज। तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो है इट लॉक्स ऑन टू द स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दे रोटेट एट द सेम स्पीड। तो स्पीड ऑफ द रोटेट इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। एज वी से एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी। तो जैसे कि हम इसका सप्लाई फ्रिक्वेंसी और मोटर पोल पर डिपेंड करती है इसकी स्पीड, इट विल ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड, राइट। इसके बाद फिर इसके जो डीसी आता है नेक्स्ट नंबर मोटर का, दैट इज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ रोटर वाइंडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो जो कोर है दैट इज एक्चुअली मेड ऑफ आयरन, ओके, बट द मैग्नेट्स आर परमानेंटली फिक्स। तो जो वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग लेती है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सो दिस मशीन इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव ऑफ एसी इंडक्शन मोटर। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, इट हैज हाई पावर डेंसिटी और उसके बाद इसमें बेटर कूलिंग पॉसिबल है क्योंकि फील्ड वाइंडिंग एलिमिनेट हो गई है, और चूंकि परमानेंट मैग्नेट्स है बेस्ट फ्लक्स सेटअप होती है तो स्मॉलर साइज इज देयर एंड ड्यू टू ऑल दीज एडवांटेज इट हैज हायर एफिशिएंसी। दे हैव रोटर स्ट्रक्चर सिमिलर टू ब्रशलेस डीसी मोटर्स, है ना, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है लेकिन स्टेटर स्ट्रक्चर होता है वो इंडक्शन मोटर के जैसा होता है, जहां पर वाइंडिंग्स को हम उसके स्लॉट्स के अंदर असेंबल करते हैं जिससे कि वो साइनसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी दे सके एयर गैप में। सो दीज मोटर परफॉर्म बेस्ट व्हेन ड्रिवन बाय एसी सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो कि बड़ी एप्लीकेशन स्पेसिफिक है वो है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स। इसके अंदर सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के अंदर सेलियन पोल सिंक्रोनस मोटर का ही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग नहीं होती रोटर में। एंड दीज मोटर्स आर पॉपुलर ड्यू टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड दे कैन अचीव IE4 कैटेगरी एफिशिएंसी क्लास। सो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के अंदर स्टेटर इज सिमिलर टू इंडक्शन मोटर या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के जैसे, पर इसका रोटर जो होता है वो सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल से बिल्ड किया जाता है टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट रिलक्टेंस प्रिंसिपल। सो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स रन एट सिंक्रोनस स्पीड एंड देर आर नो मैग्नेट्स और करंट कंडक्टिंग पार्ट्स इन द रोटर। तो इसके अंदर रोटर लॉसेज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर। तो इस तरह से यदि हम इन सब मशीन्स के बारे में जाने, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और इनके एप्लीकेशन, तो इस पर बेस्ड हम इनके फीचर्स और एडवांटेजेस को एक बार समराइज करके देख सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग ऑन फ्यू पॉइंट्स ओनली हम कह सकते हैं इंडक्शन मोटर जो कि क्लिप इसमें इन्वॉल्व है, माने कि रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से नीचे काम करती है और रोटर पर एल्यूमिनियम बार्स आर एम्बेडेड इन द स्टेटर लैमिनेटेड स्लॉट्स। उसके बाद स्लिप रिंग मोटर जो होती है इट इज आइडियल फॉर हाई इनर्शियल लोड्स एंड जहां भी वेरिएबल टॉर्क या वेरिएबल स्पीड लोड्स हैं वहां इनका एप्लीकेशन वाजिब है, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रिंटिंग प्रेस, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स, हॉइस्ट, एलिवेटर, इन पर स्लिप रिंग मोटर बहुत सूटेड है। फिर डायरेक्ट करंट मोटर, ये चूंकि इसमें डीसी करंट फ्लो होता है, हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट जहां पर भी है, स्मूथ एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्पीड, तो हम इसको प्रिफर करते हैं। सिंक्रोनस वेटर, वी नो जब एक फिक्स्ड स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर हमें काम करना है तो हम उसको सिंक्रोनस मोटर को ऑप्ट करेंगे। इसका फर्दर मॉडिफाइड वर्जन है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस की वजह से इसको हम प्रिफर करते हैं जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम करना हो। फिर आती है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर जिसके साथ रोटर इज बिल्ड विद मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट अचीव्स IE4 एफिशिएंसी क्लास। इसके अंदर रोटर लॉसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इनमें से जो भी मोटर रिक्वायर्ड है वी कैन सिलेक्ट दैट एंड वर्क ऑन इट।